आज मैं आप लोगों के सामने एक गिटार का लीड का बहुत आसान सा लेसन लेके आया हूँ। इसकी डिमांड मेरे स्टूडेंट ने की थी, उनको किसी फंक्शन के लिए इस गाने को चाहिए था, इसके नोट्स चाहिए थे। उन्होंने कहा सर इस गाने का ट्यूटोरियल बना दीजिए। तो आइए इस गाने के नोट्स हम देखते हैं और इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। स्टार्टिंग के तीन वायर्स में यानी कि ई बी जी तीन वायर्स में मैंने इसको बनाया है, बहुत ही आसान से नोट्स पे है। आइए हम गाने को शुरू करते हैं और इसके नोट्स स्क्रीन पर दिए हैं, उसको फॉलो करते जाइए, मेरी फिंगर्स को देखते जाइए किस नोट्स पर मैं कितनी देर रुका हूँ। इस ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, तभी आपके नोट्स क्लियर होंगे और आप आसानी से गाना समझ पाओगे बजा पाओगे। तो आइए इस गाने का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। गाना यहाँ से स्टार्ट होता है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, यानी सेवन फ्रेट से थर्ड वायर से छोटी सी आशा। अब यही मस्ती भरे मन में भोली सी आशा इसी लाइन से बजेगी। मस्ती भरे मन में भोली सी आशा, स्क्रीन पे आप लोग देखते जाइए, इसमें फ्रेटबोर्ड और वायर नंबर लिखा हुआ है, बहुत ही आसानी से आप लोग समझोगे। बस ये ध्यान दीजिएगा किस नोट्स पे कितनी देर मैं रुक रहा हूँ, ठीक है। अगली लाइन लेते हैं, चांद तारों को छूने की आशा। बजाने से पहले मैं बता दूं ये चांद तारों को तक है जो है ये फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही बजा है। देखिए इसे चांद तारों को छूने की आशा, इवन छूने की आशा तक फर्स्ट स्ट्रिंग बजा है। फिर देख लीजिए आशा अब आ गया, आसमानों में उड़ने की आशा। आसमानों में उड़ने की आशा, ठीक यहां तक कंप्लीट। फिर से वही लाइन आएगी, ठीक मस्ती भरे मन में भोली सी आशा। तो इस तरह से आपका ये गाना कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं कि गाना आप लोगों को समझ में आया होगा और मैंने जो नोट्स स्क्रीन पर दिए हैं उनके माध्यम से आप लोग बहुत आसानी समझ लेंगे। बस इस बात का ध्यान देना है किस नोट पे कितनी देर रुकना है, उसके लिए मेरी फिंगर्स को फॉलो कीजिए और देखिए मैं कितनी देर में किस नोट पे कितना रेस्ट किया है। चलिए आज का लेसन एक कंप्लीट होता है। नमस्कार।